जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. आपको भी. अरे अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आप आए यहाँ पर, हम सबको बहुत अच्छा लगा. हम कैसे नहीं पधारते हसीना जी, आपने हमें इतने प्यार से जो बुलाया है. हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोगों ने हमें इतने प्रेम से आमंत्रित किया है, कैसे नहीं आते हम? अरे रहने दीजिए सर, हमने तो कितनी बार आपको खाना खाने के लिए बुलाया, आप आए. अरे पुष्पा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा व्यस्त है हम. हाँ जी जी, हम समझ सकते हैं. वैसे बहुत सुंदर लग रही है. सजावट, सजावट, आप सभी लोगों ने अति सुंदर सजावट की है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आजकल ये इतना फ्लर्ट क्यों करने लगे, हमें इनसे दूर रहना होगा. सर हमें जरा वहां पर थोड़ी सी तैयारियां देखनी, आप लोग बातें कीजिए, हम आते. अरे नहीं नहीं मैडम सर, आप हमें बता दीजिए ना क्या करना है, हम कर लेंगे पूरी तैयारियां. आप बात कीजिए सर से. आइए पुष्पा जी, आप ही को बताते हैं. आइए आइए, यहाँ आइए. अरे हमसे. आइए आइए मैडम सर. क्या कर रही हैं आप, हमें नहीं बात करनी है उनसे. वो ना पिछले कई दिनों से ना जबरदस्ती हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. मगर आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो आपके करीब आए. चाहते थे पुष्पा जी, अब हमें उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है. हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं. इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि आज अगर उन्होंने कोई हरकत की ना, शायद हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे. इसलिए आप तो हमें परेशानी मत करिए प्लीज. मैडम सर, मैडम सर, हे भगवान, समझ में नहीं आता इनके गुस्से में प्यार है कि प्यार में गुस्सा. सर हम क्या बोले थे, जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सब हमने ही स्पॉन्सर किया. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नवाब साहब. हम अभी आते हैं, अभी आते हैं. जी 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 बिल्कुल. गीता चतुर्वेदी, कैसे हैं आप? सर हम बिल्कुल बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया. सर एक सवाल पूछे इसे. जी जी अवश्य अवश्य. पता नहीं कहें लेकिन आज आप ना थोड़ा इसे नर्वसाए हुए लग रहे हैं. हम नर्वस लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. आप ये महिला मनोविज्ञान विशेषज्ञ हो ना? जी सर. तो आपके इस ज्ञान की थोड़ी मदद चाहिए हमें. बात कर रहे हैं सर, बोलिए ना सर, आपका मदद कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा सर, बोलिए. नहीं ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. दरअसल हमारा एक मित्र है, उसे अपने प्रेम की भावना एक लड़की को बतानी है. लेकिन जब भी वो उसके सामने जाता है तो उसका साहस जवाब दे जाता है. लेकिन आज उसे किसी भी हालत में अपना प्रेम प्रस्ताव रखना है. इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि महिला मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसा कौन सा समय उचित होगा प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए. सर हम क्या कहते हैं कि आपके दोस्त को ना साहस का नहीं, क्लास का जरूरत है. जैसे ही एक बार अंदर जाएगा ना उसे, तो अंदर का प्यार जो है ना लबलबा के बाहर ऐसे क्लास का है? क्या है देखिए, इसमें रखा हुआ यही तो. धन्यवाद चीता. थैंक यू सर. धन्यवाद. मैडम 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 मैडम, लीजिए मैम, वेलकम ड्रिंक. मिठाई लेकर आओ फिर भांग बात. ठीक है मैडम. हरे बिलोट. मैडम आप पी क्यों नहीं रही भांग? तुमको कहाँ बोले थे हम कि हमको लेटर मिला है, अगर हम भांग पी के आउट हो जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ सकता है ना बिल्ले. हमको सतर्क रहना होगा. थोड़ा सा चुप. संत जी. संतु
जी कहाँ कर दिया? पर मैडम सर मना की थी ठंडाई में भांग मिलाने के लिए, बोली थी कि नॉर्मल ठंडाई रहना चाहिए बाकी जनता जनार्दन के लिए। कोई बात नहीं, गलती से गलती हो गई। मैंने दो ग्लास भांग पी, मुझे मजा आ गया, इसलिए ये भांग मैं ठंडाई में डाल दिया। तू भी एक अच्छी थी, पिएगा। संतु जी चार ग्लास पी चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा मजा, हम नहीं पिएंगे। संतु जी संतु जी बहुत ज्यादा हो गया, हमको कुछ कह रहे हैं आप। संतु जी कहाँ चले गए? संतु जी वाह क्या वाह! संतु जी आप पर एक पे एक फ्री वाला ऑफर चल रहेगा। कहे कि आप ना हमको ना दूधो दिख रही हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन सी वाली संतु जी ज्यादा पसंद है, ये वाली संतु जी कि ई वाली संतु जी। तुमको 10 भी दिख जाएगी ना, तब भी तुमको एक नहीं मिलेगी। क्या बात, होली खेले रघुवीरा। हमको तो लगता है जिंदगी भर की होली संतु आज एक ही दिन में खेल लेगी। पुष्पे पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारा घूम सर रहा है। हाँ सर घूम रहा है, अनुभव सर इधर ही घूम रहा है। जैन सर, जैन अनुभव सर इनका सर सर घूम रहा है ना। होली खेले रघुवीरा। बहुत हो गई होली, चलिए हम जहर खा रहे हैं। नहीं मैडम सर, नहीं जहर मत खाइए, जहर मत खाइए, आप अकेली मैडम सर। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम घर जाके जहर खाएंगे। नहीं 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 मैडम सर, ऐसा नहीं, मत नहीं, नहीं घर जाने का बात कर रही है, घर जाने का बात कर रही है। हम छोड़कर आते मैडम सर आपको, हम छोड़कर आते। एक मिनट एक मिनट, अब कहाँ पुष्पा जी, क्या कर रही है पुष्पा जी आप? बहने की दुश्मनी डीएसपी सर की, हमेशा बीच में आती रहती है, समझ गई? हमने वो भांग पिया था ना, तो थोड़ा नशा हमको भी है, तो हम ऑटो बुलवा देते हैं। एक मिनट एक मिनट, डीएसपी अनुभव सिंह के होते हुए हसीना जी ऑटो में जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ड्राइवर है और उसने बिल्कुल नहीं पी रखी है, वही गाड़ी चलाएगा और हम हसीना जी को छोड़ देंगे। हेलो गाड़ी लेकर आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाना सर। जी जी पुष्पा जी, हम अवश्य आएंगे आपके यहाँ। गाड़ी आ गई, आइए आइए। रुक जाइए सर, बिलू दिस फाइव 8 years सर्विस, मैं आपके लिए दरवाजा खोल रहा हूँ। मैडम सर कमिंग। बोनट खोल दिया तुम? बोनट खोल दिया? हाँ। ओ मैं ए ए आप जाइए पुष्पा जी, हम थाना में रुकेंगे। आप ये चीता रुकने वाला है ना? टोपा आदमी हम है, आप रुकिए। अब जाइए आराम, हम घर जाते। हमें पूरा अलर्ट रहना होगा, क्राइम तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे ना कल की कयामत। क्राइम तो आज होगा करिश्मा सिंह, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैडम मैडम कहाँ है? एक मिनट, आप पहले शांति से तय कीजिए आपको किस तरफ जाना है, ऐसे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे ना। क्या है, इंसान के जीवन में ना ध्येय होना बहुत जरूरी होता है। इतनी बड़ी आंखें आपकी? नहीं आपके चेहरे को ने सूट नहीं करती, आपकी वो बारीक बारीक आंखें अच्छी लगती। ऐसे ऐसे वाह मैडम, आपके एक चाटे ने तो एंटी गुट्स का नहीं एंटी एंटी गो क्या होता है वो एंटीडोट एंटी गोट का काम कर दिया है, मेरी पूरी भांग ही उतार दिए। वाह लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह नर्वस हो रही है। उस कयामत ने कहा कि आपकी होली खराब कर दूंगी और उसने खराब कर दी। वो क्राइम करेगी उसके इंतजार में ना आप होली खेल पाई ना भांग पी पाई, वो तो कामयाब हो गई। हमको लग रहा है तुम ठीक कह रहे हो पिल्लू। Yes. इसने बहुत बड़ा मजाक किया हमारे साथ।
प्लीज अब बैठिए आप, हैप्पी फील कीजिए, डोंट वरी, प्लीज प्लीज बी सीट, कम 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 रिलैक्स। देखिए आपके भोकाल के सामने ना कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए आप ना ये भांग गटका दीजिए, आपके लिए बचा के रखिए मैंने। मैं तुमका आदमी हो गए? नहीं नहीं पीजिए, पूरे होली के टाइम बस उस खरामत को ऐसे ऐसे देखते रहे, भांग पी नहीं सकता, इसलिए पी लीजिए आप गटागट। किसका फोन है अभी? मैडम सर की अम्मी का फोन। ओह माय गॉड, मैडम सर की अम्मी का फोन, रॉन्ग नंबर बोल दो। नमस्ते आंटी, हैप्पी होली। हैप्पी होली माय सेल्फ। बेटा हसीना कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आई, फोन किया तो फोन नहीं लगा। का? नहीं नहीं आंटी आप घबराइए मत, हम अभी फोन करते हैं, अभी आपको वापस बताते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल मत घबराना, हम आपको अभी फोन कर रहे हैं तुरंत। क्या हुआ? अभी तक घर नहीं पहुंची आंटी। अभी तक घर नहीं पहुंची? मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची बिल्ले। मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची, इसलिए अपनी टेंशन में। ओह माय गॉड, तो बहुत पहले निकली थी। स्पाई अनुभव सर को फोन करो, उनके घर पे होंगे शायद। भांग पी के दिमाग चलता है तुम्हारा। ये फोन स्विच ऑफ आ रहा है अनुभव भैया का। हमारे इसके पीछे कयामत तो नहीं है? ओह माय गॉड, हमको लग रहा है इसके पीछे कयामत है। तुम तुरंत करंट की स्पीड में सबको फोन करो, तुरंत बुलाओ थाने में अभी के अभी। ओके, तुरंत करंट सबको फोन करके बुलाए, कैसे कैसे? लात मेरी है लेकिन गुस्सा करिश्मा मैडम का है। करिश्मा मैडम आ गए सब? सब आ गए? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम, आपने इतनी जल्दी जल्दी सुबह बुला लिया मुझे, सर घूम रहा है। मेरा भी सर घूम रहा है संतोष जी, चले बाहर घूमा जाए। मैडम लात मेरी है, गुस्सा करिश्मा मैडम का है। हो गया तुम्हारा चीते या फिर और तुम्हारा सर घुमाए हम? और पुष्पा जी किधर? आ गए हम आ गए। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों बुला लिया हमें? आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची है, वो गायब है। हाँ? जी संतू, चलो मिल गया मैडम से का लास्ट लोकेशन। चलो 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 जल्दी चलो। मैडम सर की लास्ट लोकेशन यहीं की थी, पर संतु हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर यहाँ कहाँ आएगी। करिश्मा मैडम वो देखिए मैडम सर पेड़ पे। मैडम सर तो पेड़ पर है, डीएसपी सर कहाँ है? यहाँ क्या पेड़ पे कैसे पहुंची मैडम सर? तुम एक काम करो संतु, सबसे पहले उनकी अम्मी को कॉल करके बताओ कि मैडम सर सही है, उनको बहुत टेंशन में होगी। चीते मैडम सर को उतारते चलो। आइए मैडम, आइए आराम से। आप ठीक तो हैं? पानी पानी पानी, थोड़ा पानी पीजिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए। आप लोग हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए मैडम सर कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। हाँ आप तो डीएसपी सर के साथ चली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? और मैडम सर आपके हाथ में ये गन? हा?
हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम यहाँ कैसे पहुँचे, बंदूक कैसे आई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आराम से याद करके बताइए। पर अनु भैया भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, अनुभव भैया किधर है? मैडम क्या हुआ? चीते ये तो अनुभव सर का चप्पल है ना। एक मिनट संतू, डीएसपी सर का फोन। ये तो अनु भैया की गन है। मैडम सर आप हमें गन दीजिए ये वाला। इसमें से एक गोली गायब है। क्या इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है? मैडम सर कहीं आप अनुभव सर को गोली तो नहीं मार दी? क्या नहीं क्या बात कर रहे हो, हम गोली थोड़ी ना मार देंगे उन्हें। नहीं कल आप कह रहे थे कि पिछले कई दिनों से ना जबरदस्ती हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो आपके करीब आए। चाहते थे पुष्पा जी, अब हमें उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि आज अगर उन्होंने कोई हरकत की ना, शायद हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। कहीं आपने नशे की हालत में डीएसपी सर को? नहीं 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 नहीं, हम उन्हें गोली नहीं मार सकते। मैडम सर नशा ना बहुत खराब चीज होता है, नशा में आदमी कुछ भी कर सकता है। पूछिए बिलौटा से। क्यों देखिए आप लोग हमें कंफ्यूज करना बंद करिए यार, कितना भी नशा हम उन्हें गोली थोड़ी ना मार देंगे। मैडम सर अगर आप गोली नहीं मानी है तो बंदूक में एक गोली कम कैसे है? हम भी कुछ याद नहीं आ रहा है, सबसे पहले अनुभव सर को ढूंढते हैं, वही सारे सवालों के जवाब देंगे। ठीक है चलिए चलिए चलिए। कहीं इसके पीछे वो नकली कयामत का हाथ तो नहीं है?